रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सोमवार को मध्याह्न से लेकर देर रात हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल जमकर उत्पात किया। राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी कुर्ला एक्सप्रेस की एक बोगी में उग्र छात्रों ने आग लगा दी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। रात करीब 10:30 बजे स्थिति काबू में आई। आरा और बक्सर से भी उत्पात की खबर है। इससे पूर्व आक्रोशित अभ्यर्थियों द्वारा अप व डाउन ट्रैक को जाम किए जाने से शाम तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, जबकि राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। घटनाक्रम के मुताबिक 300 से 400 छात्र मध्याह्न करीब 2:30 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे थे। 2 घंटे बाद इनकी संख्या हजारों में हो गई। इसके बाद छात्रों ने अप व डाउन दोनों ही ट्रैक जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। रेल पुलिस अधीक्षक व आरपीएफ कमांडेंट मौके पर पहुंचे और समझाया, पर छात्रों ने किसी की नहीं सुनी। हंगामा कर छात्रों को बनाने जब मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार पहुंचे तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। छात्र महाप्रबंधक व मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने के लिए देर रात तक अड़े रहे। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों को जहां तहां रोक कर रखना पड़ा। राजधानी समेत कई ट्रेनें घंटों फंसी रही। बाद में कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर भेजा गया। रात तक छात्र रेलवे ट्रैक पर ही डटे रहे। छात्रों का आरोप है कि लेवल 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण को ही 2 से लेकर 6 में दिखाया गया। इससे स्वतः सीटों की संख्या 3/4 घट गई है। कई ट्रेनें हुई डाइवर्ट। विक्रमशिला एक्सप्रेस को केएल से गया होते हुए आनंद विहार टर्मिनल भेजा गया। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों को पाटलिपुत्र से वाया शाहपुर पटोरी बरौनी भेजा गया। राजधानी व संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। रेलवे की ओर से बताया गया कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। कुल 13 श्रेणी के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसे 5 समूह में बांटा गया है। लेवल 2 से 6 तक रखा गया है। हर श्रेणी में चरणबद्ध तरीके से बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि हर परीक्षार्थी को सभी 13 श्रेणियों के लिए स्वतंत्र रूप से विकल्प देने को कहा गया है। हर समूह के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन किया गया है। कोई परीक्षार्थी 1 से अधिक समूह के लिए आवेदन किया है तो दूसरे चरण के लिए परीक्षा में बैठ सकता है। दूसरे चरण के लिए सीट का 10 गुना से बढ़ाकर 20 गुना चयन का निर्णय लिया गया है। रेलवे की ओर से पूरी तरह पारदर्शिता बरकरार रखी गई है। आरा कार्यालय के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर आज उस समय अफरा तफरी का माहौल गायब हो गया जब हजारों की संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक को जाम कर अपनी मांगों को लेकर केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आक्रोशित छात्र रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में बदलाव के साथ कई मांगों को लेकर आरा रेलवे ट्रैक पर उतरकर पूरी तरह रेलवे परिचालन को बाधित कर दिया। छात्रों के हंगामे से अलग अलग स्टेशनों पर कई ट्रेनें खड़ी रही। वही आक्रोशित छात्रों को समझाने के लिए जीआरपी आरपीएफ और नवादा थाना की पुलिस समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में बदलाव किया गया है। छात्रों ने बताया कि फरवरी 2019 को फॉर्म भरा गया था। रेलवे की तरफ से सितंबर 2019 में परीक्षा को कराने की बात कही गई थी, लेकिन निर्धारित समय पर परीक्षा नहीं लिया गया। डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2021 में बोला था कि सीबीटी की परीक्षा 23 फरवरी 2022 से शुरू होगा, लेकिन अचानक रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि ग्रुप डी का परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 परीक्षा का टेस्ट लेने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय छात्र हित में नहीं है। छात्रों ने कहा कि हम लोग एक परीक्षा की तैयारी किए थे, लेकिन इस निर्णय से हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस एग्जाम में पहले ही देरी हो चुकी है। अब 2 परीक्षा होने से 2 और 3 साल लग जाएंगे। दूसरे छात्र दीपक ने कहा कि एनटीपीसी की परीक्षा दिसंबर 2020 से अप्रैल 21 हुआ था। बोर्ड ने कहा था कि पीटी परीक्षा का रिजल्ट 20 गुना ज्यादा देंगे। नोटिफिकेशन के आधार पर बोर्ड अपने वादे पर खरा नहीं उतरे। छात्रों की मांग है कि ग्रुप डी की नोटिफिकेशन को वापस और एनटीपीसी रिजल्ट को पूरा रिजल्ट जारी करे। बक्सर में ट्रेनों का आवागमन करीब 5 घंटे से बाधित रहा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एनटीपीसी है वो भी सरासर गलत है। रिजल्ट जारी करना चाहिए जो सरासर गलत है। एक स्टूडेंट का 5-5 में रिजल्ट दिया है और किसी के एक में भी नहीं दिया, वो भी गलत है। बाकी दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी है सरासर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।